तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, ठीक। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है जो तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन में अप्लाई करना है, दैट इज नथिंग बट सिंप्लीफाई द क्वेश्चन फर्स्ट, सिंप्लीफाई द गिवन क्वेश्चन फर्स्ट, देन डू द डिफरेंशिएशन। ये चीज मैंने उस दिन भी तुम्हें लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताई थी, जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो मैंने असाइनमेंट में होमवर्क दिए थे उसके अंदर मैंने बोला था कि इन चीजों का हमें फायदा क्या होगा, तो वहां पे मैंने एक क्वेश्चन भी करके दिखाया था, राइट। तो यही रूल है बस तुम्हें जो चीज याद रखनी, राइट, कि यू हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन डू द डिफरेंशिएशन। पहले डिफरेंशिएशन नहीं करनी बेवकूफों की तरह, याद रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के अंदर स्पेशल। अच्छा, अब जो सिंप्लीफिकेशन है वो दो तरीके से होगी, पहला अप्लाई द फॉर्मूलास, ठीक, अप्लाई द फॉर्मूलास, एक तो ये चीज, ठीक। अब फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना तो सिंप्लीफिकेशन के जो हमने स्टैंडर्ड मेथड देखे थे क्या, कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तुम्हें, राइट, तो सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड है बेसिकली, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो एक्स को ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे तो एक्स को ए टैन थीटा सब्स्टिट्यूट करना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे तो एक्स को ए सीकेंट थीटा, राइट, सब्स्टिट्यूट करना। तो सेकेंड मेथड हमारा क्या जाता है, सब्स्टिट्यूशन का। तो सिंप्लीफिकेशन करने के तुम्हारे दो मेथड हैं, ये दोनों मेथड मैंने तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बताए थे, ठीक। तो अप्लाई द फॉर्मूला को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सारा का सारा हमारा मेजर ये चला था, एंड ये सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते थे, राइट। तो इन दोनों चीजों को तुम्हें याद रखना है, राइट, और ये सारा का सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही चीज है, हमारी कोई नई चीज नहीं, ठीक है। तो इनकेस अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलास वाला पार्ट या फिर सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट तुम्हारा वीक है, राइट, तो इनफैक्ट ये एक नया मौका है तुम्हारे पास उस चीज को दोबारा स्ट्रॉन्ग करने, ठीक। तो अब ध्यान से देखना ये चीज, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज हम क्वेश्चंस के थ्रू करना शुरू करेंगे, इसके अंदर मेजर हमें क्वेश्चंस की ही यू नो प्रैक्टिस करनी है, ठीक, क्योंकि फॉर्मूलाज आईटीएफ के साथ साथ में आते रहेंगे हर एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो वैसे करूँ की जिनके अंदर डिफरेंट फॉर्मूलाज जो आईटीएफ के ऑलमोस्ट सारे के सारे कवर अप हो जाए ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो देखो जरा, जैसे क्वेश्चन वन, ठीक, वो बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट, ठीक, डिफ्रेंशिएट टैन इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। चलो अब मैं इस चीज को सॉल्व करता हूँ विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक। तो लेट्स से रुद्राक्ष, रुद्राक्ष माइक चल रहा है? यस सर। हाँ जी रुद्राक्ष, ध्यान से देखो अभी, ठीक। भाई देखो, मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो मैं इस चीज की भी डायरेक्टली कर सकता हूं, ठीक। चेन रूल मेरे को आता है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, अंदर वाला 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दैट इज u / v, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो अकॉर्डिंग टू चेन रूल, ठीक, क्या जाएगा मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ टैन इनवर्स एक्स। तो अच्छा, टैन इनवर्स ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? सर डी बाय डी एक्स ऑफ एक सेकंड, टैन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सर 1 ओवर 1 प्लस एफ एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही, 1 ओवर 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, चेन रूल के कारण दिया जाएगा, बात समझा रुद्राक्ष? एक, yes. इसका अगर मैं चेन रूल के थ्रू करना चाहूं तो मेरा जाएगा 1 ओवर सॉरी इसका जाएगा मेरा 1 बाय 1 प्लस ये सारी चीज का स्क्वायर, तो 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x ओवर 1 अच्छा इसका स्क्वायर x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो? तो ये कितना कॉम्प्लेक्स जा रहा है, ट्राई टू रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस, बात समझे? ठीक, yes, तो इसीलिए हमने क्या बोला, हमने रूल क्या बताया कि हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, या तो फॉर्मुला अप्लाई करो या तो सब्स्टिट्यूशन करो, एंड देन डू द डिफरेंशिएशन, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा उसका डिफरेंशिएशन करना। अब मेरे को दिखाई दे रहा है ये तो यार 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, यस सर, राइट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर को लिखा 2
टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहां से देखो, अगर ये दोनों चीजें सेम है राइट, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन होगा वही राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन होगा राइट, दोनों के डिफरेंशिएशन में, तो मैंने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स कर दिया राइट। अब क्योंकि राइट हैंड साइड मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसका डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है, क्यों, क्योंकि टू कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो टू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ आपका आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन ओवर वन प्लस एक्स। तो ये आंसर आया टू ओवर वन प्लस एक्स। देखो ये जो चीज ऊपर की है ना हमने, ये जो चीज हमने की है ठीक, ये हमने किया है राइट, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन, बात समझे। Yes. तो देखो इसको सॉल्व करके आंसर यही जाएगा बाय द वे, इसके अलग नहीं जाएगा राइट, लेकिन वो बहुत ज्यादा कटिंग वगैरह करनी पड़ी, बहुत ज्यादा अलजेब्रिक चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, इसलिए हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हमने क्या किया, पहले इसको सिंप्लीफाई किया, देन वी डिड द डिफरेंशिएशन, बात समझा, और इससे बहुत ज्यादा इजी ठीक। अगर हम फॉर्मूला डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं तो इनफैक्ट ये दो तीन स्टेप्स का ही सारा का सारा क्वेश्चन जाता है, इससे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बात समझे रुद्राक्ष। यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। गुड गुड गुड। हाँ जी प्लीज, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है कैसे किया तो प्लीज बताओ। चलो एक काम करते हैं, लेट्स गो थ्रू द डिफरेंशिएशन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं आईटीएफ की डिफरेंशिएशन के, ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ। हाँ जी सर, वैसे अगर हम इसे वो प्रोडक्ट रूल से करते तब भी वही सेम आंसर आना था। एक बात बताओ कैसे प्रोडक्ट रूल लगेगा, किसका, टू टेन इनवर्स एक्स का? यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो देख अगेन मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज समझाई थी, प्रोडक्ट रूल हम तब लगाते हैं जब दोनों के दोनों फंक्शन होंगे ठीक, ये भी फंक्शन होगा ये भी फंक्शन होगा, अगर हमें पता है कि एक चीज कॉन्स्टेंट है तो हम कॉन्स्टेंट वाला रूल लगाएंगे ना। देख के इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये रूल है अभी हमारा, के बाहर आ जाएगा तो के इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा राइट। तो इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द मल्टीप्लिकेशन रूल मैं ये वाला रूल बेटर अप्लाई करूंगा ना, ये ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है। यस सर। आएगा मल्टीप्लिकेशन से भी यही आंसर, मल्टीप्लिकेशन से कोई डिफरेंट आंसर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा तेरा एक और टर्म आएगी ना जिसके अंदर के का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, नाउ के इज कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो टोटल टर्म जीरो हो जाएगी, तो बचेगी यही टर्म तेरी। ओके सर ठीक है, लेकिन मैं अगेन मल्टीप्लीकेशन क्यों लगाऊंगा जब मेरे को पता है कि एक चीज कॉन्स्टेंट है और वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगी। यस सर ठीक है राइट, तो ये चीज को समझो ठीक। अब आ जाओ डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थी, ओके ठीक। आर्यन आर्यन माइक ऑन करो प्लीज। यस सर। हाँ जी, तो पहला है हमारा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, तो 1/1 + x² का रूट 1 - x² का माइनस, ठीक। अच्छा मेरे को ये बता इसी का चेन रूल, अब ये क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब यहाँ पे चेन रूल लगेगा और कुछ नहीं सर, इसका पहले होगा ddx ऑफ 1/1 - x² रूट, नहीं बेसिकली पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा, साइन इनवर्स का ये वाली चीज आ जाएगी, हां तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 - f(x) का स्क्वायर, x की जगह f(x) आ जाएगा ठीक। ध्यान से चेक कर कि दोनों चीजों के अंदर फर्क क्या है, जो चीजें हमने लिख रखी हैं कि a के अंदर x है a के अंदर f(x) है, तो जहां पे यहां पे x आ रहा है वहां पे यहां पे क्या आ जाएगा f(x) का f(x) होगा बिल्कुल ठीक। अब सेकंड चीज इनटू चेन रूल के कारण डेरिवेटिव ऑफ f(x), बात समझा f(x) पक्का ठीक। यस सर। हाँ जी प्रियांशु माइक ऑन कर। यस सर। प्रियांशु मेरे को ये चीज बता कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, सर -1/1 - x² का अंडर रूट, ठीक, तो कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन सर -1/1 - f(x² बिल्कुल इनटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, चेंज क्लियर है ना ये चीज, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर। नो ठीक 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 ठीक। पीयूष। यस सर। बता भाई इसका टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, सर 1/1 + x² ओके, देन टेन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, सो 1/1 + f(x² इनटू f(x) का डेरिवेटिव, बिल्कुल सर ठीक ठीक ठीक। आम्या। यस सर। सेकंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव,
the 1 upon mod x into root x square minus 1. So secant inverse f of x ka derivative. 1 upon mod f of x into root mod f of x ka whole square minus 1. Nahin, f of x ka whole square. Mod nahin aayega na abhi. F of x ka whole square. Derivative of f of x. Bilkul sahi. Bilkul sahi. Take. Khushi. Yes, sir. Derivative of cot inverse x. Minus 1 by 1 plus fx square. नहीं fx नहीं है यहाँ पे fx नहीं fx नहीं x है x तो इधर सिर्फ x है नहीं नहीं खुशी क्यों कंफ्यूज कर रहे हो देखो ये सिर्फ x है तो x के अंदर तो कोई चेन रूल नहीं आएगा ना तो ये सिर्फ यहीं पे रुक जाएगा बात समझे ओके सर आपको क्या लगा आगे क्या आएगा आपको क्या लगा सर डेरिवेटिव ऑफ x वो तो वहां नहीं होता है वो लिखने की जरूरत नहीं है ओके सर ये वो नहीं लिखना अच्छा अब बताओ कि cot inverse f of x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 1 बाय 1 प्लस fx स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ fx बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही ठीक ओके सिक्स्थ सरब यस सर हाँ जी डेरिवेटिव ऑफ बाय कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स सर माइनस वन ओवर मोड एक्स इनटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है अच्छा आप मेरे को ये बता कि कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सर माइनस वन मोड एफ ऑफ एक्स रूट एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस वन और इनटू डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस वन इनटू डेरिवेटिव ऑफ ठीक है बिल्कुल तो हाँ जी ये बिल्कुल बेसिक 6 के 6 रूल क्लियर हुए सबको ठीक ये याद होने अब चाहिए क्योंकि इनके बिना हम आगे अप्रोच नहीं कर पाएंगे ठीक हाँ जी शिवाय उदय संभव सक्षम रूपल क्लियर है ये चीजें यस सर क्लियर यस सर यस सर क्लियर है मनमीत क्लियर है सर आदित्य आर्यन क्लियर है सर ठीक है हाँ जी सर चलो अब इन्हीं के बेसिस पे इन्हीं को यूज करना है राइट कहीं पे चेन रूल में प्रॉब्लम आ जाए तो इनको याद रखना चलो अब क्वेश्चन देखते हैं ठीक है सेकंड क्वेश्चन पहला क्वेश्चन तो हमने देख लिया था अब सेकंड क्वेश्चन ठीक है सेकंड क्वेश्चन क्या चीज जा रही है अभी कॉस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x का डेरिवेटिव ठीक ओके ओके कुशाग्र सर क्या करेगा भाई सर ये 3 cos inverse of x की आइडेंटिटी लग रही है बिल्कुल बिल्कुल तो ये डेरिवेटिव ऑफ आ जाएगा 3 cos inverse of x आगे तो अब इसमें 3 into ddx of cos inverse x cos inverse x होता है माइनस वन ओवर वन माइनस x स्क्वायर अंडर था ये जाएगा माइनस थ्री ओवर अंडर रूट ऑफ वन माइनस x स्क्वायर ठीक है क्लियर हुआ यस सर ठीक 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 है ये पहले मैं बिल्कुल बेसिक फंक्शन जो है इनकी डिफरेंशिएशन करना सिखा रहा हूँ ठीक तो ध्यान से देखते रहना थर्ड ठीक अच्छा संभव यस सर संभव नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या करेगा सोच के फिर बोलियो 2 tan 2x की आइडेंटिटी होती है 2 tan इनवर्स ऑफ x 2 tan इनवर्स ऑफ x बिल्कुल सही तो इसका डेरिवेटिव आगे जल्दी बोल जल्दी 2 * 1 प्लस x स्क्वायर 1 बाय 1 बाय x 2 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर क्लियर है यस सर कोई डाउट इसमें नो सर ओके बाकी किसी को प्लीज किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता रहेगा मैं एक एक से करवा रहा हूँ किसी को कोई भी डाउट आएगा तो प्लीज पूछते रहना साथ साथ में ठीक है हाँ जी डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस x क्यूब बाय 1 माइनस 3 x स्क्वायर जोशी भाई आर्यन जोशी
बांसल, आर्यन बांसल, यस सर, क्या करेगा भाई इसका? सर ये आइडेंटिटी लूज की है, 3 tan इनवर्स x की। तो बता आगे क्या आएगा? क्या सर ये आएगा? ddx ऑफ tan इन 3 tan इनवर्स x। बिल्कुल, तो क्या आएगा ये? 3 into ddx ऑफ tan इनवर्स, वो डायरेक्टली बोल दे, डायरेक्टली बोल दे। हां जी, 1/1 + x2। ठीक, तो फाइनल आंसर आया 3/1 + x2। मैं 1 + x2 ले रहा है? यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो ओके ओके। आम्या, यस आम्या, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, दैट इज cos इनवर्स ऑफ 2x/1 - 1 + x2। इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या करोगे? तो ये 2 tan इनवर्स x के नहीं होती, वो बार sin इनवर्स होती है। अरे तो cos इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट कर लो ना। यस सर। कैसे? सर ट्रायंगल फार्मूला से भी हो जाएगा? नो, बहुत मुश्किल जाएगा ट्रायंगल फार्मूला से। ठीक, अदरवाइज आइडेंटिटी हमारे पास π/2 - sin इनवर्स। हां जी सर। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बजाय हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 - sin इनवर्स ऑफ 2x/1 + x2 करेंगे। बात समझे? हाँ जी सर। अब ये जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ π/2 - 2 tan इनवर्स ऑफ x का। हाँ जाना? हाँ जी सर। अच्छा, π/2 का डिफरेंशिएशन 0 और बचा इधर -2 बाहर आ जाएगा, इनटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो दैट इज 1/1 + x2। तो -2/1 + x2 इज द फाइनल आंसर। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस। ठीक है ठीक है ठीक है। जयति माइक ऑन करो प्लीज। यस सर। जैसे secant इनवर्स ऑफ 1/2 x² - 1, क्या करोगे? देखो secant इनवर्स की कोई आइडेंटिटी आती है आपको? सर हम इसको cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैसे करोगे? फिर वो cos इनवर्स ऑफ 2x² - 1 हो जाएगा, जो कि 2 cos इनवर्स x की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो बताओ जरा क्या आंसर आएगा फिर? सर cos का डेरिवेटिव होता है -1 cos इनवर्स का 2 बार आ जाएगा। बिल्कुल, dx नहीं, वो ठीक है, एक साथ बोल दो, एक साथ बोल दो, -1/√1 - x2। बिल्कुल, तो फाइनल आंसर -2/√1 - x2। ठीक। यस सर। गुड गुड गुड। प्रियल? यस सर। प्रियल, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ 1 - x² / 1 + x2, तो ये 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी लग जाएगी आपको। बिल्कुल, तो डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ x, तो फाइनल आंसर बोलो जल्दी। ये 2 बार आ जाएगा, 1/1 + x2। बिल्कुल ठीक, तो ये आ जाएगा 2/1 + x2 इस तरीके से। कोई डाउट अभी तक? हाँ जी, किसी को कोई डाउट अभी तक? प्लीज सबको, सब में से किसी को कोई डाउट अभी तक? खुशी, सिक्स्थ में। भाई देख, सबसे पहले हमने क्या किया, अंदर वाली चीज का रेसिप्रोकल किया, हमने प्रॉपर्टी यूज की कि दैट इज सीकेंट इनवर्स ऑफ 1/x इज नथिंग बट कॉस इनवर्स ऑफ x। समझा? तो ये बन गया हमारा, ये डिनोमिनेटर ऊपर आ गया, तो ये cos इनवर्स बन गया। अब ये फॉर्मूला जो होता है, ये 2 cos इनवर्स x का। ठीक है सर, आ गया समझ। ठीक ठीक ठीक। अच्छा चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट इज रूपल। रूपल माइक ऑन करो। यस सर। ठीक, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर। रूपल इसका क्या करोगे? sin इनवर्स ऑफ 1 - x² / 1 + x² का डेरिवेटिव करना, क्या करोगे? सर इसको cos में कन्वर्ट कर लेंगे ऐसे बोलो पहले, क्योंकि ये cos इनवर्स का फार्मूला है, π/2 cos इनवर्स x माइनस माइनस cos इनवर्स x।
cos inverse x हो जाएगा 1 minus x square. 1 minus, yes, yes. ठीक, आगे. Sir, फिर d by dx of pi by 2 तो 0 होता है. नहीं, पहले इसको simplify करो, ये किसका formula होता है? Sir, ये हमारा 2 tan inverse x का formula होता है. तो ये बन गया 2 tan inverse x. अब बताओ, derivative of pi by 2? Minus. नहीं, pi by 2, pi by 2. Pi by 2, pi हाँ जी, तो 0 हो गया. 0 हो गया. आगे? हाँ जी, तो सही हो जाएगा माइनस टू बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. तो ये आंसर आ गया. कोई डाउट है विदा? नो सर. ओके ओके ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं पहले मिनिमम क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए. ठीक. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. कुशाग्र. हाँ जी सर. हाँ जी भाई. तो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ वन माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है पहले. अब ये दूसरी टाइप का सिंप्लीफिकेशन जा रहा है, राइट? दो टाइप के सिंप्लीफिकेशन हमने देखे थे, राइट? याद है कैसे करते हैं इसको सिंप्लीफाई? याद है या नहीं? हाँ जी, आपकी आवाज कट गई थी. ओके, मैंने बोला कि ये सेकेंड टाइप का सिंप्लीफिकेशन था जो हमने आईटीएफ में देखा था, राइट? तो ये याद है कैसे सिंप्लीफाई करते हैं इसको? सर, अंदर वाली टर्म को tan of x लेके आएंगे हम. किसी tan of something लेके आएंगे. tan of something लेके आएंगे हम. तो कैसे लाएगा? सर, 1 minus cos x के identity लगा दूंगा in terms of sin. क्या होती है? 2 sin square x by 2 होगी. बिल्कुल. तो ये हो गया 2 sin square x by 2. ये चीज, ये बन के 2 sin square x by 2. ठीक. और डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर का क्या करेगा भाई? हेलो, कुशाग्र आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है किसी को, सबको? यस सर. कुशाग्र, हाँ भाई, डिनोमिनेटर में क्या करेगा? साइन का हाफ एंगल लगाएगा. बात खत्म. तक क्यों कंफ्यूज हो रहा है? ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. तो नीचे आ जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 टेन इनवर्स ऑफ, ठीक, एंड डी बाय डी एक्स. तो ये 2 2 कटेगा, साइन इनवर्स साइन एक्स बाय 2 कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका tan inverse of d by dx of tan inverse of tan x by 2. So that is nothing but d by dx of x by 2. So that is nothing but 1 by 2. उसका डेरिवेटिव आ रहा है हाफ. ठीक. अब ध्यान से देखो यार, इस चीज का पूरा डेरिवेटिव करोगे चेन रूल के साथ तो इमेजिन नहीं कर सकते. आप सब कुछ x x कट जाएगा और फाइनल आंसर क्या आएगा हाफ. लेकिन अगर इस तरीके से सिंप्लीफाई करके फिर डेरिवेटिव वगैरह करोगे तो बहुत ज्यादा सिंपल जाएगा. अदरवाइज डायरेक्टली चेन रूल लगाओगे तो यार एकदम लग जाएगा, ठीक है ना? तो प्लीज इन क्वेश्चंस के अंदर ध्यान देना कि पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर बाद में हमें यू नो आगे स्टेप्स लेने हैं, आगे चलना है. ठीक, ये चीज का ध्यान देना, इस चीज को याद रखना. ठीक. आमेन. यस सर. हां जी, आमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स ऑफ, ठीक, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x ओवर 1 माइनस sin x. ठीक. When x belongs to minus pi by 2 से pi by 2, इसका differentiation करना है, क्या करोगे? तो जो अंदर वाला एंगल है उसको rationalize कर देंगे. ठीक है ठीक है. फिर तो वो formula बन के कट जाता है ऊपर, 1 plus sin x upon cos x आ जाएगा. एंड उसके बाद उसको हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करके, एक सेकंड, आप बताओ, आप न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहे हो डिनोमिनेटर को? डिनोमिनेटर. तो आपका जाएगा 1 प्लस sin / 1 माइनस sin * 1 प्लस sin / 1 प्लस sin अंडर रूट के अंदर के और बाहर tan इनवर्स. अभी सिर्फ डेरिवेटिव नहीं करने, सिर्फ सिंपलीफाई करें, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स और अंडर रूट हट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस sin, क्योंकि 1 प्लस sin का स्क्वायर जा रहा है और नीचे आपका 1 माइनस sin स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर, अंडर द रूट के बाहर आके cos. हाँ, अच्छा, आगे बताओ. तो उसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे.
ओके कौन सा लगाऊं? आई थिंक न्यूमरेटर रैशनलाइज करके ज्यादा इजी जाएगा. न्यूमरेटर रैशनलाइज करके ज्यादा इजी जाएगा. एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से. इसके बाद आप अटक गए ना? यस. हाँ इसके बाद हम ट्राई करते हैं. ठीक है जहाँ पे अटके हैं उसी से हम कंटिन्यू करते हैं. डोंट लेट्स ट्राई लेट्स नॉट ट्राई टू चेंज दी मेथड. ठीक तो देखो ये भी इजी है. ये जो आपने किया मेथड बिल्कुल करेक्ट है. इसमें कोई गलती नहीं है भाई. तभी इसके बाद क्या करना वो मैं आपको बताता हूँ. तो अरब एक सेकंड रुक जा. अरब एक सेकंड. अरब मेथड मालूम है तेरे को? तो वो cos को 1 minus x square. नहीं 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 आरव क्या हुआ बताना भाई. सर 1 plus sin x का डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? cos x by 2 plus sin x by 2 का होल स्क्वायर. इनफैक्ट वही करने वाला था मैं. वही करने वाला तो वो तो हाँ उससे हो जाएगा बिल्कुल. तो या तो वो लगा लो और उससे भी ज्यादा सिंपल है. देख आरव जो ये करके तू जहां पे पहुंचेगा ना वो डायरेक्ट कर रहा हूँ. वो है 2 cos x plus 1 वाला. नहीं दोनों को sin tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर. दोनों को tan के डायरेक्टली हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो तो ये बन जाएगा 2 tan x by 2 over 1 plus tan square x by 2 over 1 minus tan square x by 2 over 1 plus tan square x by 2. ठीक LCM लेके ये इधर और ये दोनों कटेंगे तो ऊपर क्या बनेगा आपका 1 plus tan square x by 2 plus 2 tan x by 2 over 1 minus tan x by 2 into 1 plus tan x by 2. ठीक अच्छा ऊपर बन गया आपका 1 plus tan x by 2 का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 plus tan x by 2 into 1 minus tan x by 2 तो 1 plus tan x by 2 बटा तो ये आ गया 1 minus tan x by 2 over 1 plus tan x by 2 over 1 minus tan x by 2. अब मैं क्लियर हुआ? यस सर. तो ये फाइनली क्या बन गया बताओ जरा जल्दी. tan pi by 4 plus x by 2. बिल्कुल सही. और ये चीज जाएगी आपकी इसके अंदर. तो tan इनवर्स ऑफ ये चीज बन गई तो आपका फाइनल फिर क्या बना क्वेश्चन के अंदर दैट इज tan इनवर्स ऑफ tan pi by 4 plus x by 2 तो दैट इज नथिंग बट pi by 4 plus x by 2. तो अब डिफरेंशिएशन करूंगा मैं पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन की इंस्टेड मैं डिफरेंशिएशन करूंगा pi by 4 plus x by 2 की तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा. देखो इसका 0 x by 2 का डेरिवेटिव 1 तो फाइनल आंसर 1 बाय 2. बिल्कुल क्लियर हुआ? यहाँ तक आ गया. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर यहाँ तक नहीं. अच्छा बाहर क्या है tan इनवर्स तो अंदर हमें tan बनाना पड़ेगा तभी जाके tan इनवर्स ऑफ tan समथिंग जो है वो बाहर एज इट इज आ जाएगा. हाँ है ना. तो yes, अंदर sir. हमें सब कुछ tan के फॉर्म में लाना है तो मैंने क्या किया मैंने साइन और कोस जो दे रखे दोनों को tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया. ठीक तो साइन का क्या आया न्यूमरेटर में 2 tan x by 2 over 1 plus tan square x by 2. डिनोमिनेटर में cos x को क्या लिखा 1 minus tan square x by 2 over 1 plus tan square x by 2. तो सिंपलीफाई करके ये बन गया मेरा 1 plus tan x by 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 plus tan x by 2 into 1 minus tan x by 2. बात समझा? यस सर. एक कटा 1 plus tan x by 2 तो ये बन गया 1 plus tan x by 2 over 1 minus tan x by 2 that is nothing but tan pi by 4 minus plus x by 2. Yes sir. बिल्कुल. अब बाहर tan inverse है तो सब कट के pi by 4 plus x by 2 तो derivative 0 plus 1 by 2 तो 1 by 2 answer. Clear है? Yes sir. ठीक है next question. Manmeet mic on कर भाई. Excuse me sir. हाँ जी. हाँ जी. Sir जो हमने simplification की थी 1 plus sin x upon cos x की. हाँ जी. उसमें 1 को sin square x by 2 plus cos square x by 2 से एक्सपेंड कर सकते थे. इनफैक्ट आरव यही चीज बोल रहा था. ठीक आप बोल रहे हो स्क्वायर कंप्लीट करने का ना sin x by 2 plus cos x by 2 होल स्क्वायर. हाँ जी. अच्छा उससे हमें आप यहीं पे पहुंचोगे. ये जो tan का हाफ एंगल हमने बनाया ये 1 plus tan x by 2 और 1 plus tan x by 2 बनाया अब भी आप यहीं पे पहुंचोगे. सो स्क्रीन इज सर स्क्रीन शो नहीं हो रही. ओके ओके अभी वो एक्चुअली मैं गलती से मेरे से वो जो सॉफ्टवेयर है वो बंद हो गया था. अभी मैंने दोबारा स्क्रीन शेयर की है. अभी एक मिनट में आ जाएगी. अभी एक मिनट आई या नहीं आई पहले ये बता दो. आ रही है सर. आ रही है सर.
ध्यान से देखो, चलो मैं वो वाला स्टेप करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपका क्या चीज जा रही है, वन प्लस साइन बाय कोस, तो आपका जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जाएगा साइन एक्स बाय टू प्लस कोस एक्स बाय टू इंटू कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। हमें क्लियर है? Yes. ये कटेगा एक। अब ऊपर नीचे हमने कोस एक्स बाय टू से डिवाइड करके ये बना दिया वन प्लस टेन एक्स बाय टू ओवर वन माइनस टेन एक्स बाय टू, तो बना तो वही ना, टेन पाई बाय फोर माइनस प्लस एक्स बाय टू, बना तो वही। उससे हमने डायरेक्टली टेन में कन्वर्ट कर दिया, इससे हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करके फिर कर रहे हैं, है वही चीज। ठीक है? Yes. हाँ जी, ओके ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मनमीत भाई, इसका डिफरेंशिएशन करना है, दैट इज टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेगा सिंप्लीफिकेशन के लिए? एक्स की मनमीत आवाज कट के दोबारा बोल भाई। एक्स की वैल्यू ए टैन थीटा डालेंगे, ए वन है बिल्कुल, तो एक्स को क्या पुट करेगा, ए टैन थीटा, ए वन है ठीक, तो टैन थीटा पुट करेगा राइट। तो सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, पहले डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा जा रहा है टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज सेकेंट स्क्वायर थीटा, तो दैट इज सेकेंट थीटा माइनस वन बाय टेन थीटा। हाँ मनमीत आगे क्या करेगा? सर वो सेकेंट थीटा कॉस ही वन बाय कॉस थीटा दिखना है, और साइन वन बिल्कुल वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बिल्कुल, ये बन जाएगा आगे। तो कॉस हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देना है, कॉस थीटा को स्क्वायर थीटा में और साइन बिल्कुल साइन थीटा कॉस थीटा में, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ओवर 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 2 कटा साइन थीटा बाय 2 कटा, तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2, तो that is nothing but theta by 2. और theta क्या था हमारा, यहाँ से theta आ जाएगा tan inverse of x, तो ये पूरा का पूरा question हमारा बन गया, that is simplify करके tan inverse of x का half, ठीक? तो हमारा question क्या था, that is tan inverse of under root of 1 plus x square minus 1 by x, इसको simplify करके हमने ये लिख लिया, तो इसका differentiation करने की बजाय हम इसका differentiation करेंगे, तो ये आ जाएगा half of differentiation of tan inverse of x, ये आ जाएगा 1 by 2 1 plus x के। हाँ जी, किसी भी स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो, किसी भी स्टेप में किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो, कोई डाउट नहीं, ओके 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 ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपल माइक ऑन करो। यस सर। हाँ जी रूपल, डिफरेंशिएशन ऑफ टैन इनवर्स ऑफ 5x ओवर 1 माइनस 6x के, क्या करोगे? सर ये हमें दिख रहा है कि ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नीचे डिनोमिनेटर में, तो पहले इसको उसमें कन्वर्ट। रुको 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 रुको, क्या चीज आपको दिखी? सर जैसे वहाँ पे है 1 माइनस 6x का होल स्क्वायर, तो उसको मतलब पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा के सॉल्व कर लेंगे। नहीं एक्चुअली में रूट सिक्स आ जाएगा ना, सिक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सर, इसको 3x प्लस 2x से ब्रेक। चुप 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 चुप, प्लीज प्लीज भाई प्लीज समझो समझो समझो, एक पर्टिकुलर से पूछने का मतलब ही यही है, बाकी अपना अपना ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ठीक, मेरे को अभी एक से पूछ लो। हाँ जी रूपल क्या करोगे, नीचे पर नीचे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना के रूपल करोगे क्या, उससे फायदा क्या होगा ये बताओ। सर मैं भी वही करने लगी थी, मतलब जैसे कि नीचे वो स्क्वायर करके और ऊपर वो माइनस हो जाए तो वो सच प्लस हो जाए तो नहीं जी सर, आप वो आपका मेथड थोड़ा सा गलत जा रहा है, क्योंकि अगर आपने नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना भी लिया राइट, तो उन दोनों का आप एडिशन या डिफरेंस जो है वो आप ऊपर 5x को क्रिएट करोगे, है ना? यस सर। अब ध्यान से समझो कि नीचे आपका जा रहा है 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जाएगा वन माइनस रूट सिक्स इंटू एक्स इंटू वन प्लस रूट सिक्स इंटू एक्स। अब इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे, मान लो एडिशन किया वो टू जा रहा है और सब्ट्रैक्शन किया वो टू रूट सिक्स एक्स जा रहा है, इन दोनों में से कोई भी चीज ऊपर है नहीं, फिर फंस गए। यस सर। यस सर।
तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट अभी जो बोला था कुशाग्र तूने बोला था पीयूष रुद्राक्ष हाँ रुद्राक्ष तो अभी जो रुद्राक्ष ने बोला था वो बड़ी सिंपल सी चीज थी इसीलिए मैंने ये आईटीएस का क्वेश्चन 2x into 3x बिल्कुल बिल्कुल तो 2x into 3x और इन दोनों का सम ऊपर जा रहा है तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा tan inverse of 2x plus 3x over 1 minus 2x into 3x और पहले आ जाएगा आपका d by dx तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा tan inverse of 2x plus tan inverse of 3x का डिफरेंशिएशन बात समझे यस सर तो ये क्या बन जाएगा अलग अलग अब मेरे को बताओ tan inverse of 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर 1 by सर अगर हम राइट हैंड साइड से कर लें तो इजी हो जाएगा इसी किसी की बात बता रहा हूं इसी की हां जी सर पहले इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो इसका हां जी d / dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x तो इसका 2 जो है वो बाहर आ जाएगा कैसे नो सर सॉरी सॉरी सर वो हो जाएगा 1 / 1 plus 2x का स्क्वायर into d / dx ऑफ 2x तो दैट इज 2 into 1 2 2 plus tan inverse 3x का 1 by 1 plus 3x का whole square perfect. into 3 perfect तो ये final answer है okay बात समझे yes sir पक्का कोई doubt इसमें no sir okay ठीक चलो next question हाँ जी हाँ जी बोलो भाई सर ये इसको बाकी करने की तो नहीं जरूरत है LCM वगैरह लेके ना बिल्कुल हाँ लेकिन ये square open कर लेना बस ठीक है सर ठीक है ठीक हाँ जी प्रियल माइक ऑन करो प्लीज अच्छा प्रियल है नहीं ओके आरव माइक ऑन कर भाई यस सर हाँ जी आरव क्या करेगा इसका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2 की पावर x प्लस 1 ओवर 1 प्लस 4 की पावर x टू की पावर एक्स एक सेकंड साइन इनवर्स ऑफ टू की पावर एक्स इनटू टू हाँ जी अपॉन वन प्लस बिल्कुल टू इनटू टू की पावर एक्स भाई टू की पावर एक्स प्लस वन होता है वो फोर की पावर एक्स नहीं होता तो फोर की पावर एक्स को कैसे लिखेंगे दोबारा ध्यान से सोच के लो टाइम दे क्या करेगा सर 2 का स्क्वायर हाँ 2 का स्क्वायर और x बाहर ऐसे तो इसको तो 2 की पावर x का स्क्वायर भी तो लिख सकता है यस तो किसका फॉर्मूला बना दें सर tan का क्या फॉर्मूला बनेगा 2 tan इनवर्स 2x 2 की पावर x 2 tan inverse 2x हां जी प्लीज कंफर्म करो इसकी सिंपलीफिकेशन में किसी को अगर डाउट आ रहा है तो जी तो अब इसका डेरिवेशन करना है डिफरेंशिएशन करना है तो बता भाई क्या आएगा 2 हां जी 1 by 1 plus 2 की पावर x का होल स्क्वायर इनटू चेन रूल भूल जाते हो into differentiation of 2 की पावर x 2x ये क्या जाएगा जी सर क्या कहते हैं 4 into 2 सर वहां 2 आने दो कहां नहीं इसका differentiation तो बोलना 2 that's it 2 की पावर x का differentiation 2 आरव मेरे को बता a की पावर x का differentiation क्या होता है सर इसका ऐसे वो 2 की पावर x है ना हाँ तो x x into
टू हाँ हाँ छोड़ मेरे को बता एक ही बार x का डिफरेंशिएशन क्या होता x into हाँ सही बोल 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 शाबाश शाबाश one minus x उसका पावर one minus हाँ ठीक मैं सोच रहा हूँ तेरे को मतलब घर आके मारूँ या तुम मेरे पास आएगा मार खाने e की बार x का डिफरेंशिएशन बोल e x अच्छा a की बार x का क्यों भाई इधर क्यों तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है इधर भी तो x e की पावर x माइनस वन लगा हैं तो क्या आएगा फिर e की पावर x का ओके तो रूल्स नहीं याद है यार शाबाश शाबाश आदित्य भाई यस सर आदित्य बता भाई क्या आएगा इसका टू की पावर सर ये a की पावर x इनटू log ही है log ही है परफेक्ट तो 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा सर ये 2 की पावर x इनटू log e 2 बिल्कुल सही आरव क्लियर हुआ यस सर पक्का कल तक भाई सारे फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए समझ रहे बात आरव हेलो आरव आवाज आ रही सबको यस सर यस सर यस सर ठीक 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 नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ दो लेट्स से प्यांशु सर मेरी स्क्रीन फिर से ब्लैक शो हो रही है आई थिंक वो नेटवर्क इशू आ रहा जाती आई थिंक इट इज नेटवर्क इशू सर मैं लीव करके ज्वाइन करूं हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी प्रियांशु यस सर हाँ जी प्रियांशु नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब देगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर ओवर रूट 13 डिफरेंशिएशन करना मतलब हमें डी बाई डी एक्स निकालना क्या जाएगा बात समझा अगर वाई मेरा ये है तो डी बाई डी एक्स निकालना तो इसका सिंपलीफिकेशन करेगा पहले यस सर क्या करेगा सर अंडर रूट 13 का कर दे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे रैशनलाइज Yeah. एक मिनट से सोच रहे हैं ऊपर वाले का रैशनलाइज करें या नीचे वाले का एक सेकंड रुकना एक सेकंड होल्ड करना एक सेकंड होल्ड करना हेलो हाँ जी प्रियांशु बोलो आता है या नहीं आता पहले ये बोल दे सर ऐसे तो नहीं आता ओके ओके रुक जा शिवाय क्या करेगा यस सर शिवाय क्या करेगा इस क्वेश्चन में सर मैं अभी डेस्टिनेशन करने का सोच रहा हूँ ओके आम्या क्या करोगे तो ये cos इनवर्स a plus cos इनवर्स b का फार्मूला है बिल्कुल सही ये सिंपलीफिकेशन में क्वेश्चन था तुम्हारा ITF में तो ये जाएगा y equal to cos इनवर्स ऑफ 2 by root 13 into x minus 3 by root 13 under root of 1 minus x square तो ये जाएगा आपका y equal to cos इनवर्स ऑफ x plus cos इनवर्स ऑफ 2 by root 13 प्रियांशु समझा शिवाय जिनको भी बाकी प्लीज क्लियर नहीं है क्लियर हुआ प्रियांशु सर एक मिनट ऊपर करना एक सेकंड हाँ जी कुछ नहीं क्या रूट 13 को दोनों के अलग अलग कर दिया ठीक अब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई का फॉर्मूला लगा दिया तो वो बन गया एक आ जाएगा तुम्हारा एक्स और दूसरा आ जाएगा 2 बाय रूट 13 समझे यस सर
हाँ तो अब मेरे को ये चीज बता dy by dx क्या जाएगा सर इसका चल जाएगा 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर माइनस 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस u/v रूल ध्यान से लगाइयो यस सर यहां पे u/v रूल लगेगा ना ध्यान से लगाइयो u/v रूल तो क्या लगेगा सर डेरिवेटिव ऑफ u नहीं नहीं मेरे को बता क्या आएगा डायरेक्टली बता क्या आएगा 2 डेरिवेटिव ऑफ 2 तो जीरो ही हो गया ठीक है 13 इनटू सर ये तो प्रॉपर ही जीरो हो जाएगा फिर परफेक्ट तो पहले देख के बता ना जो मैं बोल रहा हूं जरूरी वो सही होगा कि मैं तेरे को एक्चुअली में कंफ्यूज कर रहा हूं यस अगर ये चीज कांस्टेंट है तो इसके इसका जो मर्जी फंक्शन है वो भी कांस्टेंट होगा तो डायरेक्टली जीरो आएगा भाई यस सर बात समझ आ तो दिस इज ओनली आंसर बात खत्म वी आर डन क्लियर हुआ यस सर यस सर पक्का यस सर हां जी बाकी किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो प्लीज बताओ किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज बताओ ओके ओके ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन सक्षम यस सर हाँ जी सक्षम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज टैन इनवर्स ऑफ tan inverse of a plus b tan x over b minus a tan x the differentiation kya karoge sir idhar sabse pehle a by b se divide karenge andar upar niche bilkul sahi to ye ban jayega tan inverse of a by b plus tan x over 1 minus a by b tan x iska differentiation इसका डिफरेंशिएशन और ये हो गया टैन इनवर्स ऑफ ए बाय टैन इनवर्स ऑफ टैन ए बाय बी प्लस टैन इनवर्स ऑफ टैन नहीं 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 देखो ये एक टर्म है ये दूसरी टर्म है राइट तो ए एंड बी लेके जाओ तो ये आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ ए बाय बी प्लस टैन इनवर्स ऑफ टैन बात समझे यस सर यही बोल रहा था अपने ओके थोड़ा सा गलत हो गया था कोई बात नहीं ये tan inverse of a by b plus अब ये चीज क्या जाएगी x x बिल्कुल अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या आ जाएगा tan inverse of a by b का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है सर a by b तो जीरो इनफैक्ट कांस्टेंट है तो उसका कोई भी फंक्शन भी कांस्टेंट होगा तो इसका डेरिवेटिव जीरो बात समझे प्लस 1 और बार बिल्कुल सही तो इस पूरी चीज का जो ऊपर क्वेश्चन दे रखा है इस पूरी चीज का डेरिवेटिव क्या जाएगा Yes, sir. One. I hope clear. Yes. Sure, कोई doubt इसमें? Clear है? Okay. अच्छा. Let's say अभी आमिया again. Mic on करो. Yes, sir. हमें नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन इनवर्स ऑफ 2 की पावर x प्लस 1 इनटू 3 की पावर x ओवर 1 प्लस 36 की पावर x इसका डिफरेंशिएशन करो क्या करोगे सर 36 तो 2 स्क्वायर इनटू 3 स्क्वायर होता है जी बिल्कुल ठीक ऊपर 2 पावर x प्लस 1 2 इनटू x 2 इनटू 2 पावर x हो जाएगा बिल्कुल सही तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2 इनटू 2 की पावर x इनटू 3 की पावर x ओवर 1 प्लस अब इधर बोलो क्या करोगे अभी तक बिल्कुल सही तो 6 की पावर 2 है 6 की पावर 2 है 6 बार x का स्क्वायर यस ठीक अब सर वो 2 पावर x इनटू 3 पावर x वो कंबाइन हो जाएगा 6 की पावर x
तो 2 into 6 बार x over 1 plus 6 की बार x का स्क्वायर। आगे ये 2 tan inverse x का फॉर्मूला है, तो 2 tan inverse 6x 6 पावर x। बताओ आगे जल्दी। और 2 अलग हो जाएगा एंड tan inverse का होता है फॉर्मूला 1 अपॉन रूट नहीं 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर इनटू 6x इनटू log 6। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है, किसी को इसके सॉल्यूशन में डाउट है तो प्लीज बताओ। सबको क्लियर है? ठीक, तो आज काफी डिफरेंट डिफरेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स की हमने प्रैक्टिस किया है, डिफरेंशिएशन तक की। मेन सारे के सारे क्वेश्चंस में तुमने आज एक ही चीज चेक की होगी, एक ही रूल है सबके अंदर, दैट इज जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या सिंप्लीफाई द गिवन क्वेश्चन एंड देन डू द डिफरेंशिएशन। हम सिंप्लीफाई करने के लिए या तो हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक, दोनों से हम सिंप्लीफाई करने के करेंगे एंड देन हम आगे डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके लिए हमने साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड उसका चेन रूल देखा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स उसका चेन रूल देखा, tan inverse of x उसका chain rule देखा, secant inverse of x उसका chain rule देखा, cot inverse of x उसका chain rule देखा, then cosecant inverse of x उसका chain rule देखा, then बाकी हमें different formulas को cover करने की कोशिश की, ठीक है? तो आज आपका homework जो है वो इसी के related रहेगा, ठीक? चलो, we are done for the day, अभी मैं आपके doubts हूँ। क्या है? Under root of 1 plus x by 1 minus x का differentiation, ठीक? ये चीज करनी है। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया? ध्यान से देखना, सबसे पहले ये क्या जाएगा, 1/2 ले ली पावर इसको, तो पहले पावर 1/2 1 plus x by 1 minus x की पावर 1/2 बिल्कुल इनटू d by dx ऑफ 1 plus x by 1 minus x। यस सर, यही। अच्छा अब देखो, ये जाएगा 1/2 और ये पावर माइनस होने के कारण रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 minus x by 1 plus x की पावर 1/2, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, रेसिप्रोकल, ठीक है, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, इनटू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव -1, तो ये प्लस हो गया। यस सर, x x कटा, यस सर, तो ये बन गया 1/2 इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x इनटू 1 प्लस x अंडर रूट इनटू 2/1 माइनस x की पावर 2, ये 2 2 कटा, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। अब देख, ये है ऊपर न्यूमरेटर में x की पावर 1 माइनस x की पावर 1/2 और नीचे 1 माइनस x की पावर 2, तो कट के नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस x की पावर 3/2, ठीक है सर। तो ये आंसर आगे सर समझ, ठीक है, पक्का? यस सर। प्रियल फर्स्ट वाले का, यस सर, 12 sin square 2x plus 1, यही ना? हां जी सर। हां जी, तो देखो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, तो सबसे पहले हमारा डिफरेंशिएशन होगा पावर 2 का, बात समझे? इसका रीजन मालूम है क्यों होगा? यस सर, ये पता है मेरे को, ठीक, हम मेरे को बस ये प्रॉब्लम है कि हम इसमें साइन की डिफरेंशिएशन भी नहीं कर रहे हैं पहले। रियल पहले के बाद में क्या, कब बोल रहे हो साइन की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम? ऐसा नहीं है। हाँ देखो देखो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, पावर 2 बाहर आ गया, साइन की पावर 2 माइनस 1 एंड ये गया 2x प्लस 1 एज इट इज इनटू, अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो कॉस अंदर वाली चीज 2x प्लस 1 एज इट इज इनटू, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो ये गया मेरा 2 इनटू साइन 2x प्लस 1 इनटू कॉस 2x प्लस 1 इनटू 2, बात समझे? Yes, लेकिन अब रुको 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 रुको, अभी मेरे को बताओ 2 into sin theta cos theta क्या होता है, 2 sin theta cos theta, yes sir, होता sin का double angle, तो ये बन गया sin twice of 2x plus 1 and ये वाला 2 as it is, तो ये 2 into, I hope clear हुआ? Yes sir, ठीक, done done, और बताओ, हाँ जी please, बाकी the fourth question, fourth इसी का, yes sir, first sign, 3 की पावर x square plus 2x, हां जी सर, तो डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर x square plus 2x, ठीक,
तो हमें डाउट क्या, आप डाउट बोल रहे थे क्या हुआ इसमें? सर इसमें इवैल्यूएट नहीं हो रहा स्टार्टिंग से। अच्छा तो पहले तो देखो 3 के पास समथिंग है। यस सर। तो 3 के पास समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज इनटू log 3 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x चेन रूल के काम। ओके तो 3 की पावर x स्क्वायर प्लस 2x इनटू log 3 इनटू 2x प्लस 2 ये फाइनल आंसर। पक्का? यस। ठीक और बताओ। ओके सेवंथ क्वेश्चन है सर 17। एक सेकंड, सेवंथ क्वेश्चन पहले log x प्लस अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। ठीक एक एक करके यार मैं सारे कर दूंगा। x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ठीक हमें ध्यान से देखो log है तो log ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? बोलो जरा जल्दी आप ही बोलो। 1 बाय समथिंग। तो 1 बाय x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इनटू अब ये चीज का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 प्लस। अब एक काम करते हैं इसका अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव पावर 1 बाय 2, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 बाय 2 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस हाफ इनटू चेन रूल x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x। तो ये 2 2 कटा। Yes. न्यूमरेटर में आपका x आया और ये डिनोमिनेटर में अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ये चीज। तो दैट इज x बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। कोई डाउट अभी तक? नो सर। अच्छा एलसीएम लेके ये इधर चला जाएगा तो ये बनेगा 1 बाय x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इनटू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ये इसके साथ कटा। तो दैट इज 1 बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ओके क्लियर है? यस। ठीक 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 और बताओ। हाँ जी शिवय, शिवय कौन सा? 17 सर। 17 17 है आपका cos of log x का स्क्वायर। ठीक तो d by dx of cos of log x का स्क्वायर ले रहे। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा? cos का। तो दैट इज माइनस साइन log of x का स्क्वायर इनटू अब डेरिवेटिव होगा पावर 2 का। तो ये आ जाएगा 2 इनटू log x की पावर 2 माइनस 1 इनटू log x का डेरिवेटिव बन गया। सर log x का नहीं किया डेरिवेटिव मैंने। हां तो चेन रूल प्रॉपर लगाना ना भाई। और बताओ 13 में क्या चीज आ रही है आपकी? log x 3 का डेरिवेटिव। ठीक तो d by dx of log x 3 तो इसको लिखा हमने। ठीक एक तो बेस चेंजिंग फार्मूला लगा सकते हो। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला फॉर्मूला से क्या जाएगा? log e3 डिवाइडेड बाय log e x का डेरिवेटिव। क्लियर है भाई जैन साहब? यस सर। ठीक अब देखो ये तो कांस्टेंट है राइट right? तो ये आएगा log e3 into, इसको ऊपर ले आया तो ये बन जाएगा log e x का पावर माइनस 1 इसका डेरिवेटिव। बात समझा? यस सर। अब ये तो कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा तो ये log e3 एज इट इज इनटू ये इसकी पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव। तो माइनस 1 आगे log e x का पावर माइनस 2 इंटू log e x का डेरिवेटिव 1 बाय x हो जाएगा। हां जी सर हो जाएगा। और एक डाउट पूछना है। हां जी हां जी बोलो सर। अगर अगर कांस्टेंट 0 होता तो यूज कर रहे हो उसको? समझा नहीं मैं क्या बोल रहा है। log e3 हम अपने का ना कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे ना। कांस्टेंट है तो वो प्रोडक्ट हो रहा है दोनों का। प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट के तो कांस्टेंट बाहर आता ना। ठीक है सर। ठीक हाँ जी और बोलो। तो 14 x sin 2x प्लस 5 की पावर x प्लस 5 की पावर k प्लस 10 x की पावर 6। अब देखो यहां तो प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x का डेरिवेटिव 1 sin 2x as it is plus x into sin 2x का derivative cos 2x into 2 plus 5 की बार x का derivative 5 की बार x log e5 plus 5 की बार k का derivative 0 क्योंकि x को छोड़ के x और y को छोड़ के बाकी सब constant assume करते हैं जब तक ये given हो। then इस चीज का derivative 6 into tan x की power 6 minus 1 into tan x का derivative secant square x। हमें clear हुआ? Yes। ठीक है और बताओ sir। हाँ जी हाँ जी बोलो बोलो सर। 13th क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं 1 by log 3x। एक सेकंड
वन बाय लॉग थ्री एक्स बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फिर वो लॉग ए एक्स का रूल लगेगा। यस सर, उससे आंसर सेम आएगा। यस सर, ठीक है। और बोलो, ओके, असाइनमेंट टू में है? सो यस। ओके ओके, एक सेकंड। सर एक पिछले असाइनमेंट में 18 क्वेश्चन भी था। हाँ, फर्स्ट वाली में ना। यस। हाँ जी, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 क्वेश्चन है आपका log of cos x square, तो derivative of log of cos x square, ऐसे। तो सबसे पहले log का derivative हमें, तो ये जाएगा 1 by cos x square into cos का derivative minus sine of x square into x square का derivative 2x। क्या confusion है ये बताओ? मैंने भी ये किया था, आंसर नहीं आया पर। तो ये 10 बन जाएगा ना, तो minus 10 of x square into 2x। क्या आंसर दे रखा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 18। हाँ बिल्कुल, यही दे रखा है, माइनस टू टेन एक्स, माइनस टू एक्स इंटू टेन एक्स स्क्वायर। और बोलो, चलो असाइनमेंट सेकंड। एक सेकंड को लेट मी ओपन द असाइनमेंट। हाँ जी, सेकंड असाइनमेंट में बोलो। सर फिफ्थ का ई पार्ट। एक सेकंड, एक सेकंड, फिफ्थ का ए पार्ट एंड फिफ्थ का ई पार्ट, ए एंड ई, ठीक। एक सेकंड रुको, फिफ्थ का ए पार्ट है आपका लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस वन। सर इसमें हाँ जी सर, मुझे बस ये पूछना था कि हम ऐसे log का फॉर्मूला लगा के कर ले, उसके बाद फिर dx of जो अंदर दिया हुआ है उसका कर ले। मतलब गलत नहीं है, देखो you are not wrong, but try to understand कि इससे बेटर चीज ये होती है कि हम पहले सिंप्लीफाई करें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से ये चीज सीखो कि अगर गिवन क्वेश्चन को हम पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो फिर डिफरेंशिएशन करना ज्यादा बेटर है, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या सिंप्लीफिकेशन काम आएगा, ये जो पावर हाफ है तो ये आपको लिख सकते हो log x माइनस वन बाय x प्लस वन की पावर हाफ एंड d बाय dx, तो ये हाफ आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हाफ बाहर चला जाएगा d बाय dx ऑफ log ऑफ x माइनस वन बाय x प्लस वन। नाउ इसका अंडर रूट वगैरह हट गया ना, तो आपको सिंप्लीफाई करना आपके लिए ज्यादा इजी होगा ना इसमें। यस सर, ठीक, तो ये करो इससे ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर, ठीक। और बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, उठा रहा है, मतलब इसको सॉल्व करने में इसी को आगे करूं मैं सर, जैसे इसकी पार। हेलो रूपल। हाँ जी सर। हाँ जी, इसको इसी के आगे सॉल्व करना ना। हाँ जी। वो क्या किया आपने सर, जैसे हम लेते हैं ना, जैसे 1/2 आगे आ गया तो x माइनस 1 की पार माइनस हाफ, तो फिर आप बोलते हो ना जैसे रेसिप्रोकल लेना है, मतलब फिर हमारा नहीं, पहले एक चीज समझो रूपल, रूपल एक चीज समझो, ये जो अभी मैंने ये हाफ बाहर लिया है ये उसके कारण ने लिया है, दिस इज ड्यू टू द लॉग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, बात समझे? हां जी सर, लेकिन जो आपने पहले नहीं करवाया था, मतलब हां मैं समझ गया, मैं जस्ट आपको ये क्लियर करना चाहता हूं, यहां पे कंफ्यूज मत करना, मैं वापस उसी क्वेश्चन पे जा रहा हूं, यहां पे ये चीज की थी मैंने, ठीक। तो एक सेकंड रुको, ये चीज, हां ये चीज, तो मैंने यहां से देखो ये स्टेप से ये डायरेक्टली लिख दिया। यस सर। हाँ सर, इसको इंप्लीमेंट करने में मतलब प्रॉब्लम आ रही है। इंप्लीमेंट करने में मतलब समझा नहीं, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है सर? मतलब जब इसको सॉल्व करते हैं ना, जैसे आप बोलते हो कि जब मतलब रेसिप्रोकल हो गया माइनस वन बाय टू का, तो हमारा एक्स प्लस वन न्यूमिरेटर में आ गया, वो डिनोमिनेटर में चला गया सर, उसमें प्रॉब्लम हो रही है मेरे से, सॉल्व नहीं हो रहा उसके बाद। नहीं, इसके बाद भी सॉल्व हो रहा है, ये स्टेप नहीं समझ आया।
इसके बाद नहीं सॉल्व हो रहा। तो अब ध्यान से देखो ना ये चीज, यहाँ तक क्लियर है, ये स्टेप तक क्लियर है? हाँ जी सर। तो इस स्टेप के अंदर हमने पावर 1 बाय 2 ऊपर नीचे अलग अलग कर दी, तो ऊपर आ गया 1 माइनस एक्स की अंडर रूट और नीचे आ गया 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, एंड ये 1 बाय 2 एज इट इज, एंड यहाँ पे बना 1 प्लस 1 2, एंड नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कटा, ठीक। और ये डिनोमिनेटर में ये वाली चीज 1 प्लस एक्स का अंडर रूट एज इट इज, और ये अब ध्यान से देखो ऊपर गया 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाय 2 और डिनोमिनेटर में गया 1 माइनस एक्स की पावर, तो ये चीज नीचे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1 बाय 2, तो दैट इज 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 3 बाय 2, इससे ये 3 बाय 2 हो जाएगा। तो ये आंसर था। ओके सर, ओके, ठीक 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 ठीक। हाँ जी, और बताओ जरा इसमें, ये तो हो गया फिर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन था ई पार्ट, ई पार्ट log of x square plus x plus 1 by x square minus x plus 1, ठीक। तो log of x square plus x plus 1 divided by x square minus x plus 1। अच्छा भाई एक चीज बताओ, इनफैक्ट यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी मैं u by v रूल नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर भी मैं log की प्रॉपर्टी लगा के इसको लिखूंगा हाफ ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log of x minus 1 minus log of x plus 1। ये चीज समझे, log से और सिंपलीफाई कर लिया, क्लियर हुआ? हाँ भाई सर दोबारा बताओ एक बार। ये तो log a by b है ना, तो log a by b को मैंने लिखा log a minus log b, लिख सकता हूँ ना ये चीज? यस सर, ठीक। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, 1 ओवर x minus 1 into x minus 1 का डिफरेंशिएशन 1। यस सर ठीक है, आगे minus 1 by x plus 1 और डिफरेंशिएशन वही चीज इधर लगाएंगे, ठीक। तो क्या जाएगा ये डिनोमिनेट, ये जाएगा log of x square plus x plus 1 minus log of x square minus x plus 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जाएगा 1 by x square plus x plus 1 और ऊपर आ जाएगा 2x plus 1 minus 1 by x square minus x plus 1 और ऊपर आ जाएगा 2x minus 1। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर हो गया क्लियर बस। ओके नॉट एक दियर से हो जाएगा। और बताओ चलो ठीक, डन, वी आर डन, थैंक यू।